अध्यक्ष महोदय, राम राज्य का दूसरा सिद्धांत है हर बीमार का इलाज। तुलसीदास जी के रामचरित मानस में एक चौपाई है, अल्प मृत्यु नहीं कवनियो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद्ध न लक्षण। अर्थात प्रभु राम के राज्य में सबके स्वस्थ और सेहतमंद रहने की व्यवस्था है, किसी की भी अल्पायु में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई दुख होता है, सभी सुंदर और निरोग है, ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है और ना गरीब है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम इस परिकल्पना से बहुत दूर हैं। 2014 तक दिल्ली सरकार के भी सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल हुआ करता था। अस्पतालों की गंदगी देखकर भरोसा नहीं होता था कि यहाँ पर इलाज भी हो सकता है। ऐसा लगता था वहाँ की गंदगी देखकर कि एक बीमारी लेकर जाएंगे तो वहाँ से चार बीमारी और लेकर वापस आ जाएंगे। आप सब याद कीजिए सरकारी अस्पताल का वो दृश्य, गंदे फर्श, टूटे और बदबूदार टॉयलेट, पीली चद्दरें, ओपीडी काउंटर पर भीड़ और जवाब देने वाला कोई नहीं, दवाई के काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें पर केमिस्ट नहीं। सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम खुद ही बीमार था। अध्यक्ष महोदय, किसी के पास थोड़े से भी पैसे होते थे तो वह सोचता था कि अपने परिवार के सदस्य का इलाज मैं प्राइवेट अस्पताल में करा लूं। लेकिन एक सदस्य की एक बीमारी के इलाज में आने वाले खर्च से ही परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती थी। यहां तक कि घर मकान जेवर तक गिरवी रखने की नौबत आ जाती थी। अध्यक्ष महोदय, ये कैसी अमानवीयता है जो किसी इंसान को इतना बेबस कर देती थी कि वो अपने पिता की जान या अपने पुरखों की जायदाद में से सिर्फ किसी एक को बचाने की मजबूर हो जाता था। NSSO की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक सामान्य बीमारी के हॉस्पिटलाइजेशन होने पर दिल्ली के किसी परिवार को 38,000 रुपए तक का खर्च उठाना पड़ता था। 2014 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपए थी, यानी सिर्फ एक सामान्य बीमारी का एक सामान्य हॉस्पिटलाइजेशन होने पर परिवार के सालाना आय का 15% हिस्सा खर्च हो जाता था। और अगर एक बड़ी बीमारी हो जाती तो उसके लाखों के इलाज में परिवार कर्ज के तले दब जाता था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने यह प्रण लिया कि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को हम वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब हो। मुझे बहुत गर्व है कि केजरीवाल सरकार के आने के 9 साल में हमारी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ने मजबूरी से मजबूती तक और निराशा से विश्वास तक का सफर किया। आज दिल्ली सरकार के अंतर्गत 38 अस्पताल हैं, जहां रोज 81,000 से ज्यादा ओपीडी मरीजों और हर महीने 65,000 से ज्यादा आईपीडी मरीजों का इलाज बिल्कुल फ्री होता है। 2014 में दिल्ली सरकारी अस्पतालों में 9,523 बेड थे। आज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 13,708 बेड हैं और अब हमारे अस्पताल 1.5 गुना ज्यादा मरीजों की देखभाल कर पाते हैं। हमने हर अस्पताल के ओपीडी काउंटर की टाइमिंग बढ़ाई, हर काउंटर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर लगाए, मरीजों की देखरेख के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से सीखकर हर अस्पताल में साफ सफाई, सैनिटेशन और सुविधाओं की बेहतरी पर नए सिरे से काम हुआ, एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट तैयार करके हर अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन के प्रोक्योरमेंट को भी सख्ती से लागू किया गया ताकि किसी अस्पताल में दवाइयों की कमी ना हो। महोदय, 2017 में केजरीवाल सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की। इसके तहत अगर एक मरीज को दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में सर्जरी के लिए 1 महीने से ज्यादा की तारीख मिलती है तो वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपनी सर्जरी करवा सकता है और उसका सारा खर्च दिल्ली सरकार देती है। केजरीवाल सरकार की इस पहल के अंतर्गत अब लोग 1580 अलग अलग प्रकार की सर्जरीज प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। 2014 तक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने के लिए भी लोगों को महीनों लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज केजरीवाल सरकार ने इस जर्जर व्यवस्था को बदल दिया है। अब ना केवल अस्पतालों में रेगुलर टेस्ट होते हैं बल्कि बिल्कुल फ्री भी होते हैं। अगर सरकारी अस्पताल व्यस्त हो तो सरकारी निजी सेंटर्स और अस्पतालों के साथ टेस्ट का प्रबंध करती है। फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट के शुरू होने के बाद से अब तक दिल्ली के लोगों ने
5,67,000 से ज्यादा टेस्ट करवाए हैं। सिर्फ अस्पताल के अंदर नहीं, अस्पताल तक पहुंचने के संघर्ष में भी केजरीवाल सरकार परिवारों के साथ खड़ी रही है। 2014 में सरकार के पास मौजूद लगभग 155 कैट्स एम्बुलेंस के मुकाबले आज दिल्ली में 380 कैट्स एम्बुलेंस हैं। इस फ्लीट को हर साल बढ़ाकर हम इस स्तर पर ले आए हैं कि हमारी एम्बुलेंस का एवरेज रिस्पांस टाइम 10 साल में 55 मिनट से घटकर मात्र 15 मिनट। अध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति की जान बचाना ही रामराज्य है। जहां हर जिंदगी अनमोल है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास होता है, वही रामराज्य है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ साल पहले तक जब दिल्ली में रोड पर कोई एक्सीडेंट होता था तो घायल की छटपटाते हुए मौत हो जाती थी। लोग एक्सीडेंट विक्टिम को अस्पताल ले जाने से डरते थे, उनको लगता था कि अस्पताल उनसे खर्चा मांगेगा और वो केस में फंस जाएंगे। इसी वजह से हमने दिल्ली में फरिश्ते स्कीम की शुरुआत करी। इसके तहत अगर आप किसी एक्सीडेंट विक्टिम को अस्पताल लेकर जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वहां इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। एक्सीडेंट विक्टिम या उसे अस्पताल ले जाने वाले को एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती। और अब तक इस स्कीम में हम 22,000 लोगों की जान बचा चुके हैं। इनमें से एक सूरज कुमार है। सूरज कुमार का मयूर विहार फेज 1 में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उन्हें वहां पे पास में एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। लंबा इलाज चला, कई ऑपरेशन हुए, ट्रीटमेंट का बिल 36,00,000 रुपए आया। सूरज कुमार एक फैक्ट्री में काम करने वाला, कुछ हजार रुपए कमाने वाला एक आम मजदूर था। वो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी भी लगा देता तो इतना बड़ा बिल नहीं चुका सकता था। लेकिन फरिश्ते योजना के तहत सरकार ने उसके इलाज का पूरा खर्च उठाया, सूरज को एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह एक बड़ी बीमारी या बड़ा एक्सीडेंट परिवार को गरीबी में धकेल देती थी, उस तरह से छोटी बीमारी भी सामान्य परिवार का महीने का बजट बिगाड़ देती थी। अगर किसी को परिवार में बुखार हो जाए और वो किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर सबसे पहले तो 500 रुपए की फीस देता था। उसके बाद वो एक पर्ची पे लंबी सी दवाइयों की लिस्ट लिख देता था जो 500 या 1,000 रुपए की आती थी। साथ में 2-3 टेस्ट लिख देता था जो 500 रुपए के होते थे। यानी एक परिवार के सदस्य के एक सामान्य बुखार में 2,000 रुपए तक का खर्चा परिवार को आ जाता था। तो अगर एक परिवार की प्रति माह आय 25,000 रुपए 30,000 रुपए है तो वो इस 2,000 के खर्चे से भी कतराता था। और इसका खामियाजा सबसे ज्यादा महिलाएं भुगतती थी, क्योंकि महीने का खर्च चलाने के लिए, पैसे बचाने के लिए वो बीमार होने पर भी डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। और यही कारण था कि कुछ सालों में उनकी छोटी छोटी बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी स्वास्थ्य की समस्याएं बन जाती थी। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि केजरीवाल सरकार ने इस देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। एक ऐसा मॉडल जहां आपके गली मोहल्ले में, आपके घर के पास ही एसी क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर बैठता है। वहां आपका इलाज भी फ्री है, आपकी दवाइयां भी फ्री हैं और आपके टेस्ट भी बिल्कुल फ्री होते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। 9 सालों में स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाए रखने के बाद आज मैं गर्व से इस बात को कह सकती हूँ कि राम राज्य को साकार करने के प्रयास में हमने दिल्ली में 530 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, जहां रोजाना 64,000 लोगों को मुफ्त में दवाई, इलाज और टेस्ट मिलता है। अब तक जब से मोहल्ला क्लिनिक्स की शुरुआत हुई है, अब तक मोहल्ला क्लिनिक में 7 करोड़ से भी ज्यादा OPD हो चुकी है। मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को देखने के लिए देश विदेश से लोग दिल्ली आए हैं, चाहे वो तेलंगाना, पंजाब या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हों या यूनाइटेड नेशंस के 2 पूर्व सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान और बान की मून हों। शायद ही कोई ऐसा हेल्थ केयर मॉडल होगा जिसे देश विदेश में इतनी तारीफ मिली होगी। लेकिन दिल्ली की स्वास्थ्य क्रांति का जिक्र एक नाम के बिना अधूरा रहेगा, और वो है मेरे बड़े भाई सत्येंद्र जैन जी।
राम भक्त हनुमान जी आपदा की घड़ी में संजीवनी का पर्वत ही उखाड़ के ले आए थे। उसी तरह सत्येंद्र जैन जी ने दिल्ली की चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को पुनर्जीवित किया है। मैं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से आज सत्येंद्र जैन जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।